बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ द पोएम स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू होम डिड द वर्ड्स बिलोंग। तो इसका आंसर ये है कि द वर्ड्स बिलोंग टू अ मैन हु लिव्स इन द विलेज। द वर्ड्स belong to a man who lives in the village. Next question hai, did the rider see a farmhouse? No, the rider did not see a farmhouse. क्वेश्चन नंबर थ्री है, ड्यूरिंग विच सीजन आर मंथ डू यू थिंक दिस इवेंट टुक प्लेस? इन विंटर। इसका आंसर है इन विंटर। दिस इवेंट टुक प्लेस इन विंटर। अब आते हैं एक्सरसाइज बी की तरफ। एक्सरसाइज बी है वर्किंग विद वर्ड्स। तो उसमें से है फर्स्ट सफिक्सेस। समटाइम्स वी कैन ऐड द सफिक्स वाई टू अ वर्ड व्हेन वी विश टू यूज इट एज एन एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल, डाउन, अ नाउन मीनिंग द सॉफ्ट फीदर्स ऑफ यंग बर्ड्स कैन बी टर्न इनटू डाउनी एन एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर वन है, ऐड द सफिक्स वाई टू दीज वर्ड्स एंड देन यूज द न्यू वर्ड्स एडजेक्टिव यू हैव मेड इन सेंटेंसेस ऑफ यूर ओन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है फ्लफ। तो ये बन गया फ्लफी। फिर है फन। फन से बन गया फनी। नेक्स्ट वन है लीफ। तो ये बन गया लीफी। ये है शुगर। ये बन गया शुगरी। है बेंड। ये बन गया भिंडी। इन सारे वर्ड्स के साथ हमने वाई सफिक्स वाई ऐड किया तो ये सारे जो है अब ये एडजेक्टिव्स बन गए। न्यू वर्ड जो हमारे पास अब बने हैं एडजेक्टिव्स वो है फ्लफी, फनी, लीफी, शुगरी एंड बिंडी। क्वेश्चन नंबर टू है एब्रिवेशंस। Do you remember what an abbreviation is? क्या आपको पता है कि abbreviation क्या है? It's a short form of writing something. ये किसी चीज़ को short form में लिखने का एक ज़रिया है। Usually only the important words have their initial letters in the abbreviations. आमतौर पर हम अहम जो words होते हैं उसको हम short form में लिखते हैं तो उसको कहते हैं abbreviations. फॉर एग्ज़ाम्पल, बैचलर ऑफ आर्ट्स इज नॉट बी यू ए बट बी ए। बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए हम लिखते हैं बी ए। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सी इफ़ यू कैन राइट एब्रिवेशंस फॉर द फॉलोइंग। तो फर्स्ट है मास्टर ऑफ साइंस। अब मास्टर ऑफ साइंस के लिए अब हम किस तरह से लिखेंगे? तो इसके लिए हम लिखेंगे एम एस सी। एम एस सी पे है हिज या हर मैजिस्टी। इसके लिए हम लिखेंगे एच एम। इसके बाद नेक्स्ट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए हम लिखेंगे एम पी। शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह से लिखेंगे। फिर है मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी एम ए। है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी एस एल सी। फिर है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन यानी एम डी। फिर है
ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन के लिए हम लिखेंगे टी यू। रहे डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यानी PhD। रहे साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट के लिए हम लिखेंगे SE। रहे बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी BEd। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रैक्शंस। राइट द शॉर्ट फॉर्म कंट्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग। अच्छा, अब ये वर्ड जो हमारे पास है, अब हम इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। तो फर्स्ट है IM, IM को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखेंगे IM। फिर है बी नंबर हैव नॉट, हैव नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज दे हैव, डी नंबर है वी आर, कैन नॉट, दे विल, शैल नॉट, इट इज, दे आर, विल नॉट, आई वुड, एंड शी विल। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आज का एक्सरसाइज हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।